राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है मंगलवार, तो मंगलवार के दिन आप किस तरह से अपने घर पर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं और किस तरह से पूजा की जाती है हनुमान जी की, तो आज के वीडियो में आप सभी के साथ मैं यही शेयर करने वाली हूँ। तो जिस दिन भी आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करें, तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले हल्दी से लीप लें। अगर गाय का गोबर है तो वो बहुत अच्छा रहता है, अगर मिल जाए तो गाय के गोबर से आप ज़रूर लीपें। इसके बाद देखिए, आटे से देखिए इस तरह से स्वास्तिक बना लें। अगर आपको रंगोली बनानी आती है तो आप रंगोली भी बना सकते हो, जिन लोगों को नहीं बनानी आती तो वो इस तरह से सिंपल सा स्वास्तिक बना सकते हैं। और हाँ, इस पर थोड़ी सी हल्दी आप ज़रूर डालें और थोड़े से बीच में अन्न के दाने डाल सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर चावल भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चावल डाल दिए हैं। इसके बाद देखिए, पटा चौकी जो भी आपके पास है, इस चौकी ऊपर आप रख दीजिए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास चौकी नहीं है, तो आज मैं देखिए पटे के ऊपर ही रखकर आपको बताऊँगी। तो देखिए पटा है, पटे पर देखिए इस तरह का सफ़ेद कपड़ा मैंने बिछा दिया है। तो इस कपड़े को पूजा करने के बाद आप दान ज़रूर करें, क्योंकि दान ही किया जाता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो इस कपड़े को दान किया जाता है। इसके बाद देखिए, थोड़ा सा चावल लेंगे, चावल का आसन दिया जाता है भगवान जी को। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से सगुन के चावल रखने होते हैं, आप चाहें तो ज़्यादा चावल भी रख सकते हैं, उन चावलों को बाद में आप किसी को दान भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हनुमान जी की फ़ोटो रख लीजिए। आपके पास अगर राम जानकी जी की फ़ोटो है तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो मेरा जो पटा है वो छोटा है, जगह इतनी थी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ हनुमान जी की फ़ोटो रखी है। इसके बाद देखिए, कलश स्थापना बहुत ज़रूरी है। जब आप सुंदरकांड का पाठ अपने घर में करते हैं तो उस दिन आप कलश स्थापना आप ज़रूर करें। तो कलश में तो आप सबको पता है क्या क्या डाला जाता है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूंगी यहाँ पर। हल्दी की गांठ, सुपारी, एक फूल, दुर्वा, एक रुपये का कलदार और थोड़े से चावल, इस तरह से डाले जाते हैं। कंठ तक भरा जाता है कलश को जल से। देखिए मैंने नीचे कलश के नीचे थोड़े से चावल रख दिए हैं, उसके ऊपर देखिए इस तरह से नारियल रख दिया है। इस तरह से की जाती है कलश स्थापना। और हाँ, कलश में कलावा आप ज़रूर बांध लें, स्वास्तिक भी बना दिया है मैंने, और नारियल पर भी आपको कलावा ज़रूर बांधना है। तो इसके बाद देखिए, हम घी के दीपक को भगवान के रखेंगे दाहिनी ओर, क्योंकि घी का दीपक जो भगवान के दाहिनी ओर ही रखा जाता है। तो थोड़े से चावलों का आसन देकर उसके ऊपर हम घी का दीपक रख देंगे। जब तक आप सुंदरकांड का पाठ करें, पूजा करें, तब तक आपका जो दीपक है जलते रहना चाहिए, इतना घी उसमें पर्याप्त आप ज़रूर डालें। तो देखिए थोड़े से चावल रख दीजिए। अगर आप दान करना चाहते हैं तो बहुत सारे चावलों का ढेर यहाँ पर रख सकते हैं और उनके ऊपर ही दीपक रख सकते हैं। तो ये आपकी श्रद्धा है। मैं तो देखिए पूजा पाठ के वीडियोस बनाती हूँ तो थोड़े सगुन के चावल रख देती हूँ। आप अगर रखना चाहते हैं तो बहुत सारे चावलों का एक ढेर रखकर उसके ऊपर भी दीपक रख सकते हैं। बाद में जो भी आपके मानधान है उनको आप दान कर दीजिए। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर दीपक को प्रज्वलित कर दिया है। पूजा में सबसे पहले दीपक का ही पूजन किया जाता है। पहले तो देखिए पृथ्वी का, फिर जल का, फिर दीपक का पूजन किया जाता है। लेकिन आप जल और पृथ्वी का पूजन नहीं कर रहे हैं तो सिंपल आप देखिए इस तरह से दीपक का पूजन कर दें। उसके बाद देखिए, एक फूल में रोली चावल लगाकर हमने कलश का पूजन कर दिया है। तो सरल तरीका देखिए मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। विस्तार अगर आप चाहेंगे तो विस्तार का वीडियो भी मैं आप सबके लिए ज़रूर बना दूंगी, लेकिन सिंपल सादा तरीके से आप किस तरह से कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। राज की पूजा जो है वो मेरा बेटा कर रहा है। हमारे यहाँ हनुमान जी की पूजा औरतों के लिए निषेध मानी जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, मेरा बेटा कर रहा है। और सबसे पहले देखिए, हम गौरी गणेश के नाम की फूल चढ़ा देंगे। तो ये फूलों में आप रोली चावल लगाकर इस तरह से सभी देवी देवताओं के नाम के सबसे पहले चढ़ा दें, जैसे कि गौरी गणेश के नाम के, राम जानकी के नाम के। तो इस तरह से देखिए सभी देवी देवताओं के नाम के यहाँ पर फूल चढ़ा दिए। उसके बाद के हम करेंगे हनुमान जी की पूजा। तो किसी भी देवी देवता को जब आप अपने घर पर बुलाते हैं तो सबसे पहले उनके चरण धुलाते हैं, हाथ धुलाते हैं, जल पिलाते हैं और फिर स्नान करवाते हैं। तो ये चार तरह से जल चढ़ाया जाता है। तो उसी भाव से, उसी भावना से हम चार बार यूँ जल घुमाकर, आप एक कटोरी वगैरह रख लें, उसमें इस तरह से घुमा के आप स्नान करवा दें। इसके बाद देखिए, पंचामृत से स्नान करवाया है। इस पंचामृत को बाद में आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। उसके बाद देखिए, शुद्ध जल से हमने यहाँ पर स्नान करवाया है। तो देखिए, हमने शुद्ध जल से भी इस तरह भाव से स्नान करवाया जाता है तस्वीर का। अगर मूर्ति होती है तो मूर्ति के स्नान तो मैंने कई वीडियो में आप सबके साथ शेयर करती ही रहती हूँ कि किस तरह से करवाया जाता है। उसके बाद देखिए, वस्त्र रूपी कलावा हम पहनाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा पहना दिया है। इसके बाद देखिए, हम जनेऊ पहनाएंगे। तो देखिए, हाँ, आप जनेऊ भी इस तरह से देखिए अच्छे से उसको एक सा कर लें, सबसे पहले जनेऊ को, फिर आपसे उस तरह से चढ़ा दें। आप चाहें तो तस्वीर पर पहना भी सकते हैं, तो आपकी इच्छा है। तो इस तरह से जनेऊ आप ज़रूर चढ़ा दें। उसके बाद देखिए, करेंगे हम हनुमान जी को टीका करेंगे। तो आप हनुमान जी को, आप चाहें तो यहाँ से सिंदूर से भी आप टीका कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास सिंदूर है तो सिंदूर से आप तिलक कर दें।
और चावल चढ़ा दें थोड़े से। इसके बाद देखिए सुंदरकांड की पुस्तक का हम पूजन करेंगे। तो सबसे सरल तरीका जो होता है, एक फूल में आप रोली चावल लगाकर इस सुंदरकांड पर इस तरह से देखिए चढ़ा दें, तो सुंदरकांड की जो पुस्तक है उसका भी पूजन हो जाएगा। तो ये बहुत सरल और सिंपल तरीका है। तो देखिए इस तरह से हमने सुंदरकांड की जो पुस्तक है उसका भी पूजन कर लिया है, और जो फूल माला जो आप लेकर आए हैं वो भी आप भगवान को अर्पण कर दें। अगर माला लेकर नहीं आए हैं तो इस तरह से देखिए फूल अर्पण कर दें, उसके बाद फल ज़रूर चढ़ा दें। जो भी मौसम में आने वाले फल हैं उन फलों का भोग ज़रूर लगाएँ। इसके बाद देखिए बेसन के लड्डुओं का भोग ज़रूर लगाएँ। कम से कम 11 लड्डुओं का भोग ज़रूर लगाया जाता है। मेरे पास देखिए यहाँ पर सिर्फ 7 लड्डू थे, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 लड्डुओं का भोग लगाया है, लेकिन 11 लड्डुओं का विधान होता है, इसलिए आप 11 लड्डुओं का भोग लगाएं, और हो सके तो अपने घर के बने हुए लड्डुओं का भोग लगाना है। इसके बाद देखिए एक फूल में मैंने अबीर, सिंदूर, गुलाल देखिए इस तरह से ले लिया है फूल में, और इस तरह से देखिए मैं अर्पण कर दूंगी। तो ये भी आप ज़रूर चढ़ा दें, क्योंकि हर पूजा में बताती हूँ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, आपको ज़रूर चढ़ानी है। तो इस तरह से सिंपल सादा तरीके से आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। जिस दिन कि आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो सिंपल सादा तरीके से पूजा जरूर करें। उसके बाद देखिए आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउ रघुबर बिमल दस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दुहुमाय हर हो कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसुति लोक। सुंदरकांड का पाठ कर रहा है मेरा बेटा, लय में थोड़ी सी कमी है तो बच्चा समझकर थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा उसको। और हाँ, पाठ करते समय जल भर के आप ज़रूर रखें। जिस तरह से देखिए चांदी के गिलास में मैंने जल भर के रखा हुआ है, तो अगर आपके पास चांदी का गिलास नहीं है तो सिंपल गिलास में भी आप जल भर के ज़रूर रखें। और जब आपके पाठ पूरे हो जाएँ उसके बाद इस जल को आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को पिला सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर कोई बीमार है, किसी कारण बस उसको कोई परेशानी है, किसी को मतलब बुरी आत्मा का अगर कोई साया है, तो उसको ये पानी आप ज़रूर पिलाइए, क्योंकि ये पानी जो होता है बहुत ज़्यादा पवित्र हो जाता है। और हाँ, पाठ कितने करने चाहिए ये भी मैं आपको बता दूं, तो 5, 7, 11, 21, 51, 101 तो इस संख्या में आप पाठ कर सकते हैं। और हमेशा ये बात हमेशा याद रखें, पाठ हमेशा करें तो पहले दिन ऐसा नहीं है कि पहले दिन आपने 11 कर लिए और दूसरे दिन आपने 5 ही किए, तो हमेशा बढ़ते हुए दिनों के साथ पाठों की संख्या भी हमेशा बढ़ती हुई करनी चाहिए, कभी घटानी नहीं चाहिए। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक गाय के गोबर की कंडी ले ली है, उस पर थोड़ा सा मैंने गूगल रख दिया है। इस गूगल की धुनी आप अपने घर में ज़रूर दें, बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके बाद देखिए करनी होती है आरती। आरती के समय आपके घर में जितने भी सदस्य उपस्थित हो घर पर, तो वो सभी को भगवान की आरती में ज़रूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि आरती से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। बस आप आरती में खड़े हो जाइए, आपका मन जो है ना वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, कितनी भी हलचल आपके दिमाग में मची हुई हो, लेकिन आरती में पल दो पल आप बिता लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा शांति होगी। तो इस तरह से देखिए आपको आरती करना है। आरती करने के बाद जल का अर्घ ज़रूर देना चाहिए, तो अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आरती के ऊपर घुमाकर अपने सभी परिवार वालों के सदस्यों के ऊपर आप ज़रूर छिड़क दें, तो इस तरह ही अर्घ दिया जाता है। तो इस तरह से सादा सिंपल तरीके से मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ करें और इस तरह से पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो डेली भी कर सकते हैं, तो ये आपकी इच्छा है। इस तरह से 11 लड्डुओं का आप भोग ज़रूर लगाएं, और हो सके तो घर के बने हुए शुद्ध घी के लड्डुओं का भोग ज़रूर लगाएं, इसका एक विशेष महत्व रहता है। तो इस तरह से आप पूजा ज़रूर करें। और हमारे यहाँ देखिए औरतों के लिए पूजा एकदम निषेध मानी जाती है, हमारे घर के पुरुष करते हैं, बच्चे कर सकते हैं, लेकिन महिलाएँ नहीं करती। इसलिए मैंने आज तक हनुमान जी की पूजा कभी नहीं की है। मंदिर में मैं जाती हूँ, लेकिन दूर से ही मतलब हाथ जोड़कर सिर्फ प्रणाम कर लेती हूँ, इतना ही रहता है। और देखिए आपके घर की जैसी परंपरा हो उस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करें। अगर आपके
आपके यहाँ की जाती हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए पूजा की जाती है, एक सिंपल सादा तरीका देखिए मैंने बता दिया है आपको। हाँ, प्रसाद का बाद में क्या करना है ये भी मैं आपको ज़रूर बता दूँ। तो इस प्रसाद में से एक लड्डू आपको गाय को ज़रूर खिलाना है, इस चीज़ का आप याद रखें। बाकी लड्डुओं का आप अपने आसपास अपने परिवार वालों को प्रसाद ज़रूर बांटें, क्योंकि प्रसाद का वितरण करने का विशेष महत्व रहता है। जितना प्रसाद बांटा जाता है उतना ही गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो प्रसाद आप ज़रूर बांटें, ऐसा नहीं है कि अकेले ही बैठ के हड़प कर जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्रसाद आपको ज़रूर बांटना है, फल भी आप प्रसाद के रूप में ज़रूर बांटें। नारियल को बाद में आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं, आप चाहें तो उसे फोड़कर प्रसाद के रूप में आप वितरण कर सकते हैं। तो देखिए जैसे आपके घर की परंपरा रही हो उस चीज़ को आप फॉलो करें, और बाद में जो कपड़ा हमने बिछाया है इसको आप दान कर सकते हैं। चावल अगर बहुत ज़्यादा एकत्रित हो गए हैं तो चावलों को भी आप अपने किसी मान धान को, अगर नहीं है कोई आसपास तो बाद में मंदिर में आप दान कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से किया जाता है। आप चाहें तो अगर आज सुंदरकांड का आप पाठ कर रहे हैं तो एक ब्राह्मण को आप भोजन ज़रूर कराएं। ब्राह्मण भोज का भी देखिए विशेष महत्व रहता है। बाद में थोड़ी सी जो भी दक्षिणा आपकी जैसे जो भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप दक्षिणा दे सकते हैं। देखिए ब्राह्मण भोज का अपना एक विशेष महत्व है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। जब तक के लिए जय श्री राधे। और हाँ, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री राधे मित्रों।